Hello everyone, I am Mohammad Rais. I am presenting before you the second chapter of class 8, the tsunami. The tsunami, you have also heard the name of tsunami. आपने सुनामी का नाम पहले भी सुना होगा. सुनामी इज ए बिग वेव, यानी सुनामी एक बड़ी लहरें होती है, ठीक है, जो कि समुद्र में भूकंप आने पर उठती है और वो बहुत ही ताकतवर ये वेव्स होती है और बहुत ही नुकसानदायक यानी नुकसान पहुंचाने वाली वेव्स होती है सुनामी. तो सुनामी से रिलेटेड चैप्टर है और इसमें सुनामी से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज को इंक्लूड किया गया है. तो बिफ़ोर यू रीड, पढ़ने से पहले, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें पढ़नी कि लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर. कि लुक में से देखें एट द मैप यानी मानचित्र को ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप के मानचित्र दिया हुआ यहाँ पे. तो गिवन हियर यानी यहाँ पे दिए हुए मानचित्र को देखना है. तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप है उसके मैप दिए हुए हैं उनको देखना है. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यानी अंडमान और निकोबार द्वीप है. तो जिसे ऊपर में पहले अंडमान आइलैंड दिया हुआ है यानी अंडमान जो द्वीप है उसका मैप दिया हुआ है. तो इसके में ऊपर देखिए आप, नॉर्थ अंडमान है ऊपर, फिर उसके नीचे मिडिल अंडमान है और उससे नीचे लोअर अंडमान है और इधर साइड में उससे थोड़ा सा साइड के अंदर पोर्ट ब्लेयर अंडमान सी दिया हुआ है और उससे थोड़ा आगे आने पर लिटिल अंडमान है. तो ये जो है वो अंडमान आइलैंड का मैप है और इससे लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर, यानी जो आप देख सकते हैं ये एक इंडेक्स दी हुई उसमें बताया हुआ है, इसमें 100 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा आइलैंड है जिसको निकोबार आइलैंड कहते हैं, ठीक है. इसमें इसके लेफ्ट साइड में ओशियन सी है यानी हिंद महासागर और राइट साइड के अंदर कार निकोबार दिया हुआ है और फिर इसके लेफ्ट साइड में इधर देखिए तरासा, उससे नीचे कछाल है और उससे नीचे लिटिल निकोबार और राइट साइड में यहाँ पे कार निकोबार से बहुत नीचे चलने के पर ननकारी और उससे नीचे ग्रेट निकोबार. तो ये अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उससे रिलेटेड मैप है और उसमें कुछ चीज़ें इंडिकेट की गई, उसके पार्ट्स को इंडिकेट किया गया है. नाउ रीड दी सेंटेंसेज बिलो, यानी अब नीचे दिए हुए वाक्यों को पढ़ें. अब कुछ सेंटेंसेज दिए हुए नीचे उनको पढ़ना है एंड रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स. एंड रीराइट यानी लिखना है, पुनः लिखना है द इनकरेक्ट वंस यानी जो गलत है, आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स यानी गलती को सुधारने के बाद में इसमें से जो भी गलत है उसको मैं गलती सुधार कर वापस लिखना है. तो जो भी यदि इसमें से 6 सेंटेंसेज में कोई सेंटेंस में मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट करके रीराइट भी करना है. तो कछाल इज एन आइलैंड, कछाल एक आइलैंड है. तो कछाल क्या है, कछाल निकोबार आइलैंड का एक पार्ट है, ठीक है. इट इज पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार अंडमान ग्रुप्स ऑफ आइलैंड. तो क्या यह है, यानी यह अंडमान जो आइलैंड यानी आइलैंड है उसका समूह, आइलैंड समूह का भाग है. तो ये कछाल तो किसका भाग है, निकोबार आइलैंड का भाग है. तो ये गलत है, तो इसमें हो जाएगा ये गलत है, तो इसमें हो जाएगा इट इज़ द पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये दूसरा गलत है इसमें. फिर है ननकोरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, तो ननकोरी निकोबार आइलैंड का भाग है, तो ऑफ कोर्स भाग है, सही है ये. अगला, कछाल एंड ननकोरी आर मोर देन 100 miles अपार्ट, यानी कछाल और ननकोरी के बीच में 100 miles यानी 100 mil की दूरी है. हिंट स्केल ऑफ द मैप इज गिवन, यहाँ पे स्केल में दिया हुआ, किलोमीटर में दिया हुआ, ये माइल्स में दिया हुआ, सॉरी, तो माइल्स में दिया हुआ है. तो 100 miles की दूरी है इसके बीच में यानी कछाल और ननकोरी के बीच में. और अगला है फिफ्थ, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी ये पश्चिम में है, यानी अंडमान और निकोबार ये पश्चिम के अंदर है.
भारत के पश्चिम में है, एंड द निकोबार आइलैंड आर द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। और जो निकोबार आइलैंड है वो अंडमान जो आइलैंड है उसके नॉर्थ में स्थित है। तो ये कुछ अंडमान और निकोबार आइलैंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी यहाँ पे। अब हम सुनामी से रिलेटेड जो भी कुछ स्टोरीज इसमें दी हुई उन स्टोरीज को पढ़ेंगे कि सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव क्यूज्ड बाई अर्थक्वेक्स अंडर द सी। यानी सुनामी, सुनामी मीन्स एक सुनामी, इज मीन्स है अ वेरी लार्ज यानी एक बहुत बड़ी, एंड पावरफुल यानी शक्तिशाली, वेव यानी लहर होती है, यानी सुनामी एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है। क्यूज्ड बाई अर्थक्वेक्स यानी भूकंप के कारण आती है, अंडर द सी यानी समुद्र में। यानी सुनामी एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है जो कि समुद्र में भूकंप आने के कारण आती है। तो जब समुद्र के अंदर यानी जब समुद्र के अंदर वो भूकंप आता है तो उससे क्या होता है, उसके समुद्र में एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली लहर पैदा होती है जिसको सुनामी कहा जाता है। ऑन 26 दिसंबर 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड ए पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। के ऑन 26 दिसंबर यानी 26 दिसंबर 2004 यानी 2004 को, यानी 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी यानी एक सुनामी हिट यानी टक्कर मारी थाईलैंड यानी थाईलैंड को, यानी 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी ने थाईलैंड को टक्कर मारी यानी थाईलैंड में सुनामी आई। एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया और भारत के कुछ भागों में सच जैसा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु कोस्ट और तमिलनाडु के तट पर, कि 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड में सुनामी आई और भारत के कुछ हिस्सों में भी जैसे अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के तट पर सुनामी आई। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। हियर मीन्स यहाँ पे, आर मीन्स है, सम मीन्स कुछ, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, ऑफ करेज यानी साहस एंड सर्वाइवल यानी जीवित रहने से। यानी यहाँ पे जीवित रहने वाले उन सर्वाइव करने वाले लोगों से के साहस से संबंधित कुछ कहानियाँ यहाँ पे दी हुई, यानी जो लोग जीवित रहे अपने साहस का परिचय देते हुए जीवित रहे उनसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज इसमें दी हुई है। कि डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वॉज कमिंग। के डिड मीन्स क्या, एनिमल्स मीन्स जानवर, सेंस यानी आभास करते हैं यानी भाप लेते हैं, दैट की द सुनामी वॉज कमिंग, कि सुनामी आने वाली थी। यानी क्या जानवरों को ये पता लग जाता है कि जो सुनामी है वो आने वाली है, तो इसका आभास क्या जानवरों को पहले से ही हो जाता है। तो सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। तो सम स्टोरीज यानी कुछ कहानियाँ यहाँ पे सजेस्ट यानी सुझाव देती है दैट की दे डिड यानी ऐसा होता है। यानी जानवरों को जो इस प्रकार की जो कुछ विनाशक चीज़ों की पहले से ही क्या हो जाता है, आभास हो जाता है। और इस पार्ट में कुछ कहानियाँ दी हुई जो इस प्रकार की बातों को सजेस्ट करती है। तो इस चैप्टर के अंदर इसी प्रकार की चीज़ों को अपन पढ़ेंगे कि दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम दी अंडमान एंड निकोबार आर के पहले गो। कि दीज मीन्स ये, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, आर मीन्स है, ऑल मीन्स सभी, फ्रॉम दी अंडमान एंड निकोबार यानी अंडमान और निकोबार, आर के पेलेगो मीन्स होता है द्वीप समूह। द्वीप समूह मीन्स होता है ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सीज, यानी बहुत सारे द्वीपों और उस समुद्र के चारों तरफ जो चीज जगह होती है, यानी एक समूह जिसके चारों तरफ द्वीप हो वो होता है आर के पेलेगो यानी द्वीप समूह। तो दीज स्टोरीज यानी ये कहानियाँ, आर मीन्स है, ऑल यानी सभी, फ्रॉम दी अंडमान एंड निकोबार आर के पेलेगो यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और ये जो भी इस पार्ट में अब जो आपकी समक्ष जो भी स्टोरीज आएगी वो सब कहाँ की है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहानी है। के इग्नेशियस
वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छर के इग्नेशियस नाम है एक व्यक्ति का। वॉज मीन्स था द मैनेजर मीन्स प्रबंधक ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छर, यानी कौछाल में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। कौन था? इग्नेशियस, यानी इग्नेशियस एक व्यक्ति का नाम है, तो इग्नेशियस कच्छाल में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी ने वॉक यानी जगा दिया हिम यानी उसको एट अप 6 AM यानी 6 बजे बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट एन अर्थक्वेक यानी उसने भूकंप महसूस किया। तो जो इग्नेशियस था उसकी पत्नी ने इग्नेशियस को 6 बजे उठा दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने भूकंप महसूस किया यानी भूकंप के झटके महसूस किए। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो इग्नेशियस ने केयरफुली यानी सावधानीपूर्वक टुक यानी उठाया इस टेलीविजन यानी अपने टेलीविजन को सावधानीपूर्वक उठाया, सेट ऑफ इट्स टेबल यानी इसके टेबल से उठाया, ठीक है, और क्या किया, पुट इट डाउन और उसको नीचे रख दिया द ग्राउंड यानी जमीन पर, और उसको जमीन पर रख दिया सो दैट ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये गिरे नहीं और टूटे नहीं। तो क्या किया इग्नेशियस ने सावधानीपूर्वक जो अपने टेलीविजन का सेट था उसको क्या किया, उस टेबल से उठाया और उसको क्या कर दिया, जमीन के ऊपर रख दिया सावधानीपूर्वक। एंड देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, देन मीन्स सब, या फिर द फैमिली यानी परिवार रश्ड आउट यानी बाहर दौड़ा ऑफ द हाउस यानी घर से, और उसके बाद जो परिवार था उसका इग्नेशियस का वो घर के बाहर दौड़ गया। वैन द ट्रम्पर्स यानी ट्रम्पर्स स्टॉप्ड, वैन यानी जब, द ट्रम्पर्स यानी भूकंप के झटके, स्टॉप्ड यानी रुके, यानी ट्रेमोर्स का मतलब होता है भूकंप के झटके, यानी जो भूकंप के झटके वो जब स्टॉप्ड यानी रुक गए, यानी जब भूकंप के झटके रुक गए। दे सा द सी राइजिंग, दे मीन्स उन्होंने सा मीन्स देखा, द सी यानी समुद्र को राइजिंग यानी ऊपर उठते हुए, तो उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा, ऊपर उठने का मतलब लहरों को ऊपर बहुत ऊपर उठते हुए देखा। इन द क्योस, इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। वैन यानी जब द ट्रेमर्स स्टॉप्ड यानी जब भूकंप के झटके रुके, तो देसा द सी राइजिंग यानी उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा यानी लहरों को ऊंची लहरों को देखा। तो इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन यानी क्योस का मतलब होता है अराजकता, और कन्फ्यूजन यानी भ्रम में, यानी अराजकता और भ्रम में टू ऑफ द चिल्ड्रन यानी दो बच्चे कॉट यानी पकड़ लिया, होल्ड द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर यानी अपने माँ के पिताजी का यानी अपने नाना जी का, एंड मदर्स ब्रदर यानी अपने माँ के भाई यानी मामा का। तो यानी भ्रम में और अराजकता में दो बच्चों ने क्या किया, अपने नाना जी का और अपने मामा का क्या कर लिया, हाथ को कसकर पकड़ लिया। एंड रश्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड रश्ड और चले इन द अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा के अंदर चले, और विपरीत दिशा में चले गए। तो ही नेवर सा देम अगेन, ही यानी उन्होंने, नेवर मीन्स कभी नहीं, सा मीन्स देखा, देम यानी उनको, अगेन मीन्स दोबारा, और उन्होंने उनको दोबारा कभी नहीं देखा यानी वो उसके अंदर बहकर चले गए थे, अपोजिट डायरेक्शन में चले तो वो उसी के साथ में बहकर चले गए और उसके बाद में उन्होंने उनको कभी भी वापस नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट हुए, हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी वॉज ऑल्सो स्वेप्ट हुए यानी बह गई, यानी उसकी पत्नी भी उसमें बह गई थी। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, ओनली मीन्स केवल, द थ्री अदर चिल्ड्रन यानी दूसरे तीन बच्चे हु यानी जो कि केम यानी आए थे, विद हिम यानी उसके साथ, वर सेव्ड यानी बचे थे, यानी केवल दूसरे तीन बच्चे जो उसके साथ में आए थे वो बच गए थे, और बाकी सब उस पानी की लहरों के साथ ही, बड़ी लहर के साथ ही क्या हुआ था, बह गए थे। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन कच्छाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
तो संजीव मीन्स संजीव यानी व्यक्ति का नाम है, वॉच मीन्स था ए पुलिस मैन यानी एक पुलिस वाला, और संजीव एक पुलिस वाला था। सर्विंग यानी सर्विस कर रहा था, सर्विस कहाँ पे कर रहा था, सेवा कहाँ पे कर रहा था, इन द कच्छाल आइलैंड यानी कच्छाल द्वीप में, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी निकोबार ग्रुप था, यानी जो निकोबार द्वीप समूह था उसके कच्छाल आइलैंड में वो सर्विस कर रहा था संजीव। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। ही यानी उसने समहाउ मीन्स जैसे तैसे मैनेज यानी व्यवस्थित किया टू सेव यानी बचाने के लिए हिमसेल्फ यानी स्वयं को, तो उसने स्वयं को बचाने के लिए जैसे तैसे व्यवस्थित किया हिज वाइफ अपनी पत्नी हिज बेबी डॉटर अपनी बच्ची को फ्रॉम दी वेव्स यानी इस लहर से, तो उसने इस लहर से अपने आप को अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को बचाने के लिए जैसे तैसे स्वयं को व्यवस्थित किया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। तो बट मीन्स लेकिन, देन यानी फिर, ही मीन्स उसने हर्ड यानी सुनी, क्राइज यानी चीखें, फॉर हेल्प यानी सहायता की, फ्रॉम द वाइफ यानी पत्नी की, ऑफ जॉन यानी जॉन की पत्नी की सहायता की, जो आवाज़ें चीखें थी वो उसने सुनी। द गेस्ट हाउस कुक यानी जो गेस्ट हाउस था, अतिथि जो गृह था, अतिथि घर था, उसमें जो रसोईया था जॉन, उसकी पत्नी की चीखें उसने सुनी। किसने? संजीव ने। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। तो संजीव यानी संजीव ने जंप्ड इनटू द वाटर यानी पानी के अंदर कूदा, तो जो संजीव था वो पानी के अंदर कूदा टू रेस्क्यू हर यानी उसको बचाने के लिए। तो संजीव उस जॉन की पत्नी को बचाने के लिए पानी के अंदर कूदा, बट लेकिन दे वर बॉट यानी वे दोनों स्वेप्ट अवे यानी बह गए, लेकिन वे दोनों उस लहरों के साथ ही बह गए। 13 years old Meghna वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल्स। 13 years old Meghna यानी 13 वर्षीय Meghna वॉज स्वेप्ट अवे यानी बह गई थी, अलॉन्ग यानी साथ में, विद हर पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के, कि 13 वर्षीय Meghna अपने माता पिता के साथ बह गई थी, एंड 77 अदर पीपल्स और 27 दूसरे लोग, 77 यानी 27 दूसरे लोग। तो 13 वर्षीय Meghna और 27 दूसरे लोग यानी 13 वर्षीय Meghna अपने माता पिता के साथ बह गई और इसके अलावा 27 अन्य लोग भी उसमें बह गए थे। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर। तो सी मीन्स उसने, स्पेंड यानी बिताए, 2 days मीन्स 2 दिन, फ्लोटिंग यानी तैरते हुए, इन द सी यानी समुद्र में, होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर यानी एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर, यानी Meghna ने क्या किए, 2 दिन समुद्र के अंदर तैरते हुए बिताए, किसके सारे, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर समुद्र के अंदर उसने 2 दिन स्पेंड किए थे, 2 दिन बिता दिए। 11 times ही सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। तो 11 times यानी 11 बार, ही मीन्स सी मीन्स उसने, सौ मीन्स देखा, रिलीफ हेलीकॉप्टर यानी राहत जो हेलीकॉप्टर था, राहत देने वाला जो हेलीकॉप्टर था वो, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, ओवरहेड यानी अपने सिर के ऊपर, यानी उसने 11 बार अपने सिर के ऊपर उस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वे उसको नहीं, यानी लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा, किन्होंने, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वाले थे, उन्होंने उसको नहीं देखा, उसने यानी Meghna ने उनको 11 बार अपने सिर के ऊपर देखा। सी वॉज ब्रॉट टू द श्योर बाई ए वेव। तो सी मीन्स वह, वॉज ब्रॉट यानी आ गई, टू द श्योर यानी किनारे पर, बाई ए वेव यानी एक लहर के द्वारा, यानी एक लहर ने उस लड़की को क्या कहा, क्या किया गया, एक लहर उस लड़की को लेकर कहाँ पे आ गई, समुद्र के किनारे पर, यानी एक लहर ने उसको किनारे पर पहुँचा दिया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी श्योर इन डेज, एंड वॉज फाउंड और यानी पाया, वॉकिंग यानी चलते हुए, ऑन द सी श्योर यानी समुद्र के किनारे पर, इन डेज, इन डेज का मतलब घबराहट और हैरानी में, यानी घबराहट या हैरानी में उसको समुद्र के किनारे चलते हुए पाया। अलमस जावेद वॉज 10 years old यानी अलमस जावेद 10 वर्ष का था।
सी वॉज अलमस जावेद वॉज 10 years old, यानी अलमस जावेद 10 वर्ष की थी। अलमस जावेद एक लड़की का नाम है, तो अलमस जावेद एक 10 वर्षीय लड़की थी। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। तो अलमस जावेद एक 10 वर्षीय लड़की थी, तो सी वॉज ए स्टूडेंट यानी वह एक विद्यार्थी थी ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट यानी कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल इन पोर्ट ब्लेयर, यानी पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट थी। वेयर यानी जहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में हर फादर यानी उसके पिताजी के एडमिस था ए पेट्रोल पंप, यानी एक पेट्रोल पंप जहाँ पे यानी पोर्ट ब्लेयर में उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। द फैमिली मीन्स परिवार, हैड गॉन यानी गया था, देयर मीन्स वहाँ पे, टू सेलिब्रेट यानी मनाने के लिए क्रिसमस यानी उनका परिवार पोर्ट ब्लेयर में, उसका जो परिवार था, अपन पिछली लाइन भूल गया। हर मदर्स राहिलाज होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड। हर मदर यानी उसकी जो माँ थी राहिला, उसका घर था वो कहाँ पे था, नैनकाउरी में था, यानी उसके ननकौरी में था, यानी उसकी माँ राहिला का घर ननकौरी में था। एंड द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और जो परिवार था वहाँ पे यानी पोर्ट ब्लेयर में यानी ननकौरी जो आइलैंड था वहाँ पे क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। व्हेन द ट्रेमर्स कैम, व्हेन यानी जब, द ट्रेमर्स कैम यानी जब भूकंप के झटके, कैम मीन्स आए, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी, यानी जब सुबह जल्दी भूकंप के झटके आए, तो द फैमिली वॉज स्लीपिंग यानी जो परिवार था वो सो रहा था, यानी जब सुबह भूकंप के झटके आए उस समय जो परिवार था वो क्या कर रहा था, सो रहा था। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड। तो अलमास फादर यानी अलमास के पिता ने सा यानी देखा, द सी यानी समुद्र, वाटर यानी पानी को, रिसीड यानी दूर जाते हुए, यानी अलमास के जो पिता थे उन्होंने समुद्र के पानी को दूर जाते हुए यानी वापिस जाते हुए देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। तो ही मीन्स वह अंडरस्टूड यानी समझ गए दैट की द वाटर वुड कम यानी पानी वापिस आएगा, रसिंग बैग यानी वापिस दौड़ते हुए आएगा, विद ग्रेट फोर्स यानी बड़े दबाव के साथ में। तो वो समझ गए कि जो पानी है अब वो बड़े दबाव के साथ अब जोर से यहाँ पे दौड़ते हुए आएगा, यानी अब तेज़ी से पानी बड़े फोर्स के साथ बड़े दबाव के साथ में आएगा। ही वॉक एवरी वन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सफर प्लेस। ही मीन्स उन्होंने यानी उसने वॉक एवरी वन यानी प्रत्येक व्यक्ति को जगाया यानी सबको जगा दिया। अप एंड ट्राई टू रश देम और उनको भगाने की कोशिश की, देम ए सफर प्लेस यानी एक सुरक्षित स्थान पर, और उन्होंने उनको सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। एज दे रन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग एंड फेल, ही फेल डाउन। एज दे रन यानी जैसे वे दौड़े, यानी जैसे वे दौड़े हर ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी वॉट हिट यानी टकरा गए ऑन द हेड यानी उनका जो सिर है वो टकरा गया बाई समथिंग यानी किसी चीज़ से एंड फेल, ही फेल डाउन और वह नीचे गिर गए। तो जैसे ही वह दौड़े तो उनके जो दादाजी थे वो उनका जो सिर था वो एक किसी चीज़ से टकरा गया और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, हर फादर यानी उसके पिताजी रश्ड यानी दौड़े टू हेल्प हिम यानी उनकी सहायता करने के लिए दौड़े, तो उसके पिताजी उनकी सहायता करने के लिए दौड़े। देन कम टू द फर्स्ट जेंट वेव एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम वे। देन यानी फिर द कैम द फर्स्ट जेंट वेव यानी जो पहली, फर्स्ट मीन्स पहली, जेंट का मतलब होता है दैत्य यानी राक्षसी, वेव मीन्स लहर, दैट स्वेप्ट यानी भाग ले गई बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों को, वे मीन्स टू। और तभी क्या हुआ जब वो उनको अपने दादा यानी जो उसके पिता थे अलमस के पिता थे उसके दादाजी यानी उसके पिता को संभालने के उनकी सहायता के लिए वैसे ही जैसे ही उनके पास गए तो एक बड़ी राक्षसी लहर यानी एक बड़ी वेव बड़ी सुनामी लहर आई और उन दोनों को बहाकर दूर ले गई। अलमस मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट ऑफ हर। अलमस मदर यानी अलमस की माँ एंड आंट्स और उसकी जो चाचियाँ थी वो स्टूड कॉलिंग यानी खड़ी, स्टूड मीन्स खड़ी थी, कॉलिंग मीन्स क्लिंगिंग मीन्स यानी पकड़े हुए
ठीक है, क्लिंगिंग मीन्स यानी पकड़े हुए, लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री यानी एक नारियल के वृक्ष की पत्तियों को पकड़े हुए खड़ी थी। यानी अल्मस की माँ और उसकी जो दादी थे, उसकी जो चाचियाँ थी, वो क्या करे हुई थी, जो नारियल का पेड़ था उसकी जो डालियाँ थी, लीव्स जो पत्तियाँ थी, उनको पकड़ के खड़ी थी। कॉलिंग आउट ऑफ हर, और उसको पुकार रही थी, यानी उसको बुला रही थी, आवाज़ें दे रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। ए वेव यानी एक लहर ने, अपरूटेड यानी उखाड़ दिया, द ट्री यानी पेड़ को, और फिर एक लहर आई और उस लहर ने उस पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वे भी बह गई। यानी अल्मस की जो आंट्स और दो मदर थी, वो एक नारियल के पेड़ की पत्तियों को पकड़कर खड़ी थी और उसको आवाज़ें दे रही थी, लेकिन अचानक एक तेज वेव आई और उस पेड़ को उखाड़ दिया और वह भी उसके साथ में बहकर चली गई। अल्मस सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, यानी अल्मस ने एक सा यानी देखा, ए लॉग यानी एक लट्ठा, ऑफ वुड यानी लकड़ी का, फ्लोटिंग यानी तैरते हुए, तो अल्मस ने एक लकड़ी के लट्ठे को तैरते हुए देखा। सी क्लाइम्ड ऑन दी, और वह उस पर चढ़ गई, तो अल्मस उसके ऊपर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और देन यानी फिर, सी मीन्स वह फेंटेड यानी बेहोश हो गई, और उसके बाद उस लट्ठे के ऊपर वो बेहोश हो गई। वैन सी वॉकअप, वैन यानी जब, सी वॉकअप यानी जब वह उठी, यानी जब वह जगी। सी वॉज इन ए हॉस्पिटल ऑफ कामोटा, तो जब वह जगी तो वह कहाँ पे थी, कामोटा के अस्पताल में थी। ठीक है, तो वो कामोटा के अस्पताल में थी जब बेहोश, जब उसको बेहोशी उसकी ख़त्म हुई, जो उसको होश आया, तो उसने देखा, उसने अपने आप को कामोटा के अस्पताल में पाया। फ्रॉम देर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और जहाँ से उसको कहाँ पे ले जाया गया, पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। द लिटिल गर्ल यानी छोटी लड़की डज नॉट वॉन्ट यानी नहीं चाहती है, टू टॉक यानी बात करना, अबाउट द इंसिडेंट यानी उस घटना पे, यानी उस दुर्घटना पे बात नहीं करना चाहती है, विद एनीवन यानी किसी भी व्यक्ति से, यानी वह लड़की किसी भी व्यक्ति से उस घटना के बारे में, उस दुर्घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती है। सी इज स्टिल ट्रॉमटाइज्ड, यानी ट्रॉमटाइज्ड का मतलब होता है आघात है, तो सी मीन्स वह है, इज मीन्स स्टिल मीन्स अभी भी, ट्रॉमटाइज मीन्स आघात, यानी अभी भी उस चीज़ का उस पर आघात है। तो दिस इज एनफ फॉर टूडेज, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।